इसी साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला, फेमस पंजाबी सिंगर और साथ में कांग्रेस के भी लीडर, उन्हें बड़े दर्दनाक तरीके के साथ गोली मार दी थी। और 29 मई से लेकर आज तक सिद्धू मूसेवाले के जो हथियारे हैं वो नहीं पकड़े गए। हालांकि सिद्धू के जो पिता हैं बलकार जी, उन्होंने लगातार सरकार के आगे गुहार लगाई कि मेरे बेटे के कातिलों को पकड़िए। और अभी पिछले दिनों आपको याद होगा बलकार जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर 2 महीनों में सिद्धू के कातिलों का पता नहीं चला तो वो ये देश छोड़कर चले जाएंगे। फिलहाल आज खबर ये आ रही है कि गोल्डी बरार को अरेस्ट कर लिया गया है और गोल्डी बरार को US में अरेस्ट किया है। जो अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, ये सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है क्योंकि अभी इसकी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का कहना है कि वो गोल्डी बरार को पंजाब में लाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्या सिर्फ गोल्डी बरार ही सिद्धू मूसेवाले की किलिंग के अंदर इन्वॉल्व था या और भी बड़े कुछ नाम हैं जो सिद्धू मूसेवाले की जो है किलिंग के पीछे जो है इन्वॉल्व थे। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल गोल्डी बरार को हिरासत में लिया है, इसकी इतनी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि सोर्सेज के मुताबिक खबर ज़रूर आ रही है। गोल्डी बरार फिलहाल हिरासत में है और ये सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि गोल्डी बरार का गिरफ्तार होना क्या सिद्धू मूसेवाले की किलिंग, क्या उसका जो मर्डर हुआ उसके लिए पूरा इंसाफ है, या जो बलकार जी ने ये कहा था कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे, क्या उनकी इस बात को देखते हुए जल्द से जल्द पंजाब पुलिस को उन हथियारों को नहीं पकड़ना चाहिए? क्योंकि सिर्फ गोल्डी नहीं, उसके साथ और भी कई सारे गुट हो सकते हैं, गैंग हो सकते हैं, जो किलिंग सिद्धू मूसेवाला की हुई उसके पीछे इन्वॉल्व हो। तो देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की किलिंग और ये मर्डर मिस्ट्री कब तक सॉल्व होती है और उनके पिता को कब तक इंसाफ मिलता है। गोल्डी बरार हिरासत में है, ये कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं सोर्सेज के मुताबिक। जब इसमें कुछ और कन्फर्मेशन आएंगी हम आपको इसके ऊपर और भी जानकारी देंगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाले की मर्डर का इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।